हमारे देसी बउआ से टकराएगा दोस्तों डीसी कॉमिक्स का एक्वामैन। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल में। चलिए बताता हूं कि ये क्या है किस्सा। हम सब जानते हैं 2017 में एक फिल्म आती है जस्टिस लीग, जिसमें हमें एक्वामैन का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हमें ये भी पता थी बात कि एक्वामैन पर एक स्टैंड अलोन फिल्म आने वाली है। अब दोस्तों फाइनली उसकी डेट कर दी है रिवील, जो कि है 21 दिसंबर 2018। जी हाँ दोस्तों, एक रिसेंटली एक बहुत खूबसूरत सा पोस्टर रिलीज किया गया है एक्वामैन का, जिसमें जेसन मोआ जो कि एक्वामैन बनते हैं वो खड़े हैं और उन्होंने त्रिशूल पकड़ रखा है दोस्तों, क्योंकि वो एक्वामैन का हथियार है। पीछे शार्क है, वेल है और अलग अलग तरह की फिशेज हैं, क्योंकि समुद्र का पूरा एनवायरनमेंट दिखाया गया है। और नीचे लिखा गया है इन थिएटर्स 21 दिसंबर 2018। सो दोस्तों 21 दिसंबर को तो रिलीज़ होने वाली है बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान साहब की फिल्म जीरो। हम सब जीरो के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं दोस्तों, और एक्वामैन के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सिनेमाघरों में दोस्तों रिलीज़ दोनों सेम डे पर हो रही हैं, तो जहाँ पर इंटरनेशनली कड़ी टक्कर मिलेगी हमारे बउआ को एक्वामैन से, यानी कि जेसन मोआ के कैरेक्टर से एक्वामैन से। ये फिल्म एक्वामैन लेकर आ रहे हैं जेम्स वॉन की पास्ट की फिल्म्स हैं द कॉन्जरिंग वन, द कॉन्जरिंग टू और बहुत सारी ये जो हॉरर फिल्म्स बनी है ना, सौ उनकी फिल्म है। तो भाई जेम्स वॉन डायरेक्शन के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, उन्होंने शानदार डायरेक्शन किया है। और यहाँ पर आनंद एल राय साहब लेकर आ रहे हैं ये फिल्म, जिन्होंने तनु वर्ड्स मनु रिटर्न्स और रांझना जैसी सक्सेसफुल फिल्म बनाई। देखिए इंडिया में क्या होता है कि डेट आगे पीछे होती है, जैसे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पहले रिलीज़ हुई थी वर्ल्ड वाइड रिलीज से और उसके बाद जाके और जगह पर रिलीज़ हुई थी। एक्वामैन का भी अगर ऐसा होता है तो अजय देवगन साहब की टोटल धमाल को टक्कर मिल सकती है, अगर बाद में होता है तो सिम्बा को मिल सकती है, और एग्जैक्ट 21 दिसंबर होता है तो हमारे बउआ को टक्कर मिलेगी दोस्तों। मैं तो चाहूँगा ये टक्कर थोड़ा हेल्दी हो, इंटरनेशनल मार्केट में तो नहीं कह सकता लेकिन इंडियन मार्केट में आई गेस बउआ को ही लोग पसंद करेंगे। आपको क्या है कहना दोस्तों इस क्लैश के बारे में? अब थोड़ा बहुत धड़कनें बढ़ गई हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बात बताइएगा दोस्तों। आप भी एकदम बउआ बन जाइए या एक्वामैन बन जाइए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके के चटपटे अपडेट्स के लिए मैं हूं ना राहुल भोज। अरे हाँ, एक्वामैन का फुल फ्लेज ट्रेलर आ रहा है 21 जुलाई को, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट।